दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर थप्पड़ कांड का शिकार होना पड़ा है। नई दिल्ली लोकसभा के मोतीनगर इलाके में रोड शो के दौरान केजरीवाल को एक शख्स ने थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ कांड के बाद आप कार्यकर्ताओं ने इस शख्स की भी जमकर धुनाई कर दी और फिर पुलिस को सौंप दिया। चुनावी मौसमों में अरविंद केजरीवाल पर थप्पड़ों की बरसात हालांकि कोई नई बात नहीं है। मजेदार बात तो ये रही कि इस थप्पड़ कांड के बाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में मोदी और अमित शाह को आड़े हाथों लिया। उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये दोनों दरअसल केजरीवाल की हत्या करवाना चाहते हैं। अब थप्पड़ से मच्छर का मरना तो आप सबने सुना होगा, इंसान की हत्या कैसे होगी ये सिसोदिया साहब ही जाने। बहरहाल इस चुनावी मौसम में भी आखिरकार फिर से केजरीवाल पर थप्पड़ की बरसात हो ही गई। नई दिल्ली से ऑब्जर्वर डॉन ब्यूरो की रिपोर्ट।